Recently, President Donald Trump ne announced kiya on Twitter that they will designate Antifa as a terrorist organization. Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to this very informative video jahan par hum baat karenge about recent tweet of Donald Trump jahan par unhone kaha that USA will designate Antifa as a terrorist organization. So, hamare liye prelims point of view se important hai ki Antifa kya hai. Also, यूएसए में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं इनके बारे में जानकारी हमें होनी ही चाहिए. सबसे पहले आप देखिए ये ट्वीट बाय डोनाल्ड ट्रंप. इसमें उन्होंने बताया कि एंटीफा को वो डिक्लेयर कर देंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट इस ग्रुप को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए. यह आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स. इन पिक्चर्स में डिपिक्ट किया जा रहा है कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर. बेसिकली जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है थ्रू ब्लैक अमेरिकन्स. व्हाई? बिकॉज़ दे आर वेरी मच एजिटेटेड, दे आर इन एंगर ड्यू टू द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि पुलिस ब्रूटैलिटी के कारण जिनकी डेथ हो गई. ओके, ही वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन. और उसी के बाद से जो ब्लैक अमेरिकन्स है दे हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. ये आप देख सकते हैं आई कांट ब्रीथ, ये कुछ लास्ट वर्ड थे जॉर्ज फ्लॉयड के और इसी को इस्तेमाल कर कर लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू से दैट ब्लैक लाइव्स मैटर. ओके, सबसे पहले समझते हैं ये एंटीफा के बारे में कि एंटीफा है क्या. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बताया दैट दे विल डेजिग्नेट एंटीफा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक लूजली एफिलिएटेड ग्रुप है, एक फार लेफ्ट एंटी फैसिस्ट एक्टिविस्ट है और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. एंटीफा को सबसे पहले आप समझिए, एंटीफा इज नॉट एन इंटरकनेक्टेड और यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन. कोई यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, बट ये मूवमेंट्स के थ्रू अपने जितने भी जो इनके आक्रोश होते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. एंड दे डू नॉट हैव एनी हायरार्कियल लीडरशिप. ओके, एंड दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑटोनोमियस बॉडी. बहुत सारे ग्रुप मिलकर इन्होंने एंटीफा फॉर्म किया है जो कि फार लेफ्ट है, एंटी फैसिस्ट है. ओके, एंड ज्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रोटेस्ट के थ्रू ये अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं. अब द प्रेसिडेंट क्रिटिक नोटेड दैट हाउएवर द यूनाइटेड स्टेट डज नॉट हैव अ डोमेस्टिक टेररिज्म लॉ एंड दैट एंटीफा अ कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ द फेज एंटी फैसिस्ट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ लीडर, अ डिफाइंड स्ट्रक्चर और मेंबरशिप रोल्स. अब परेशानी ये देखने को मिल रही है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनके पास कोई भी डोमेस्टिक टेररिज्म लॉ नहीं है, कोई ऐसा डोमेस्टिक एक्ट नहीं है जिसके द्वारा वो एंटीफा को डिक्लेयर कर सके एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. रैदर एंटीफा इज मोर ऑफ अ मूवमेंट, एक मूवमेंट की तरह है एक्टिविस्ट का, हुज फॉलोअर्स शेयर अ फिलॉसफी एंड टैक्टिक्स. ठीक है, ये सब अपनी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को, एक पर्टिकुलर टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं. ओके, तो अभी इस समय यही बात चल रही है. अगर उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना भी होगा तो कुछ एक्ट लाने होंगे, कुछ प्रोविजन फॉलो करने होंगे, तभी एंटीफा जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि खाली यूएसए में ही नहीं है, जर्मनी एज वेल एज यूके में देखने को मिलता है, उसको ये एज अ टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर पाएंगे. एंटीफा शॉर्ट फॉर एंटी फैसिस्ट. ठीक है, एंटी फैसिस्ट इसकी एक फुल फॉर्म है. डिस्क्राइब अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपल हुज पॉलिटिकल बिलीव्स लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं. दे आर अ सॉर्ट ऑफ पोलराइज्ड मूवमेंट, ऑफन द फार लेफ्ट, बट डू नॉट कन्फर्म विद द डेमोक्रेटिक पार्टी प्लेटफॉर्म. डेमोक्रेटिक पार्टी प्लेटफॉर्म है, उसके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करते. दे बिलीव इन अ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी. ओके, तो इसलिए यूएसए चाह रहा है कि इनको बैन कर दिया जाए. वाई? जो भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं यूएसए में, यूएसए बिलीव कि उसमें एंटीफा जैसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है. ऑल्सो चाइना इनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है. चलिए समझते हैं एंटीफा के बारे में. एंटीफा एक मूवमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक लेफ्ट विंग एंटी फैसिस्ट मिलिटेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट है. ठीक है, ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू अपना आक्रोश दिखाने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करते हैं. ओके, और ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप ने मिलकर इसको बनाया है. ओके, एंड आर एक्टिविस्ट एंगेज इन वेरिड प्रोटेस्ट टैक्टिक इंक्लूडिंग डिजिटल एक्टिविज्म, प्रॉपर्टी डैमेज, फिजिकल वॉयलेंस. मतलब ये एक बड़ा रूप भी लेते हैं, वॉयलेंस का रूप भी लेते हैं, हैरेसमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, इतना ज्यादा लेवल पर इनके जो प्रोटेस्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं.
individuals involved in the movement tend to hold anti-capitalist view. ये capitalism जो होती है, जो कि हमें United States of America में देखने को मिलती है, उसके against है, तो obviously ये government के against तो दिखेंगे. And they support anarchism, ठीक है, anarchy को भी ये support करते हैं. इनका मानना है कि communism को लाने के लिए अगर anarchy को भी लाना पड़े, तो ये उसको support करेंगे. Marxism को support करते हैं, socialism को support करते हैं, and they support the social democracy. ओके अब आप जानिए इसकी हिस्ट्री के बारे में. इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी ने कंसोलिडेट किया अपनी पावर एंड फॉर्म करी नेशनल फैसिस्ट पार्टी इन 1920s. उसी टाइम पर हमें एंटी फैसिस्ट मूवमेंट देखने को मिले इन इटली एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो ये जो एंटीफा है, ये अपने आप को सक्सेसर मानते हैं ऑफ एंटी नाजी एक्टिविस्ट ऑफ 1930s. ओके यूरोपियन एक्टिविस्ट ग्रुप that originally organized to oppose World War II era fascist dictatorship re-emerged in 1970 and 1980. बाद में ये फिर से हमें re-emerge होते हुए नजर आए against the fascism to oppose white supremacy. ये जो white supremacy हमें United States of America में देखने को मिलती है, इसके ये against है. एक बात आप और समझिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे. एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं नियो नाजी ग्रुप, जो कि फार राइट ग्रुप है. ओके दे बेसिकली सपोर्ट द वाइट सुप्रीमेसी. और अभी ये जो एंटीफा जैसे ग्रुप हैं, ये फार लेफ्टिस्ट हैं. ये मानते हैं कि हमें सोशलिज्म को लाना चाहिए, जैसे जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनको भी अपने राइट्स मिले. ऐसे नहीं कि कभी भी पुलिस ब्रुटैलिटी के थ्रू उनकी डेथ हो जाए. ओके सो दे वॉन्ट अ वेरी सेफ लाइफ इन USA, देयरफॉर दे आर प्रोटेस्टिंग. दिस वॉज ऑल अबाउट एंटीफा. सो अब आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहा है, तो एंटीफा क्या है आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन इन USA. ओके सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. ऐसे ही आप हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते रहिए, देश विदेश की जो भी न्यूज है उनको शेयर करते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.